बिजली चोरी कर लेंगे, लेकिन ऊपर वालों की नजरों से आखिर कौन बच पाया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। काम छोटा हो या बड़ा, अगर वो गलत है तो गलत ही कहलाएगा। और गलत काम करने वाले अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हर तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन कोई कितने ही बहाने क्यों ना बना ले, एक बार तो शक हो ही जाता है कि हाँ, सामने वाला कुछ तो छुपा रहा है। अब जरा इस वीडियो पर भी नजर डालिए। इस वीडियो में क्या नजर आ रहा है? एक घर, बिजली का मीटर, छत पर तार और शायद एक मोटा आदमी जो अपनी छत पर कुछ अजीब ढंग से जल्दबाजी में कुछ करता नजर आ रहा है। लेकिन यह वीडियो आज हमारी चर्चा का विषय क्यों है, आइए बताते हैं आज आपको आज की खबर में। दरअसल बिजली अधिकारी किसी के घर पहुंचते थे और खासकर अगर उस घर और घर वालों पर शक हो तो छानबीन करने की कोशिश करते थे। लेकिन लोगों के पास 100 तरह के बहाने होते हैं कि अभी घर में कोई नहीं है, घर में कोई आदमी हो तब आइएगा, वगैरह वगैरह। तो अब ऐसे लोगों से निपटने के लिए बिजली विभाग ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसे बिजली विभाग ने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जब लखनऊ के मध्यांचल विवी नगर में ये चेकिंग अभियान शुरू किया गया और लोगों के घरों की छतों पर ड्रोन मंडराया तो कुछ इस तरह की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। लोग कटिया खींचते हुए कैमरे में कैद हो गए और इस तरह ड्रोन के जरिए बिजली विभाग ने उन लोगों का पर्दाफाश किया जो कटिया लगाकर बिजली चुराते थे।